नमस्कार दोस्तों, आप मेरी वीडियो के दौरान जानेंगे आज गुरु पूर्णिमा के बारे में। कहते हैं गुरु पूर्णिमा श्रावण के महीने में, यह जुलाई के मध्य में मनाई जाती है। कहते हैं यह त्यौहार हिंदू और बौद्ध धर्म में दोनों जगह बड़े प्रेम से मनाया जाता है। कहते हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस दिन बौद्ध और हिंदू धर्म में इसकी मान्यता भी मानी जाती है। धर्म में पूर्णिमा को बहुत बहुत बड़ा दिन भी माना जाता है। कहते हैं बौद्ध इस दिन जिन सारनाथ लेकर पवित्रता में आए थे और उन्होंने पहला उपदेश इसी दिन को दिया था, इसलिए इस दिन को बौद्ध में बहुत बड़े प्रिय दिन से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इसे बड़े प्रिय और बड़े ढंग से मनाते हैं। कहते हैं इस दिन को बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस दिन वह बौद्ध के बनाई हुई किताबें और उनके नियमों को पढ़ते हैं। अब तो सभी जानते हैं कि बौद्ध ने अपनी शिक्षाओं का ज्ञान कहाँ तक बांटा है, तो लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी शिक्षाओं को उनके दिन पढ़कर भगवान को याद करते हैं। है बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उनका अपना एक तरीका होता है। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा बड़े प्रिय से मनाई जाती है। कहते हैं संत व्यास जी के लिए, व्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था और इस दिन संत व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखना आरंभ किया था और उन्होंने अपने ही जन्मदिन के दिन इसे समाप्त भी किया था। उन्होंने महाभारत की लिखी है और इसे पांचवें वेद के रूप में रखा जाता है। ब्रह्म सूत्र पांचवा वेद हमारा हिंदू धर्म में माना गया है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन लंबे समय तक छुट्टी रहती है। कहते हैं कि इस दिन पूर्णिमा पर नहाने भी जाते हैं। इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। भारतीय अपने शिक्षकों का आदर सम्मान करते हैं, उन्हें कोई भेंट भी देते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यार्थी अपने टीचरों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी करते हैं। कहते हैं इस दिन शिव की भी पूजा की जाती है। तो ये थे गुरु पूर्णिमा के महत्व की विशेषताएँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।